वज़ीरों की ड्यूटियां लग चुकी हैं, पैगामात मौसूल हो चुके हैं और उनसे ये कह दिया गया है कि एंटी इमरान खान बयानियां टेलीविजन की स्क्रीन से नीचे नहीं उतरना चाहिए। इमरान खान का डबल शाह कौन है आपको पता है? नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, इमरान खान का डबल शाह है। 30 अगस्त से पहले पहले इलेक्शन की डेट अनाउंस हो सकती है। इमरान खान के ऊपर ये एक बार फिर से सादिक और अमीन का ठप्पा लगवा कर वापस मुड़ेंगे, पहले भी लगवाया था एक बार फिर लगवाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 3 अगस्त और दिन है बुध का। चंद घंटों बाद वफाकी दारुलहुकूमत इस्लामाबाद का टेम्परेचर एक बार फिर राइज करने वाला है, क्योंकि पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी है। इलेक्शन कमीशन के हालिया फैसले के बाद वफाकी हुकूमत और पीटीआई एक बार फिर आमने सामने आते दिखाई दे रहे हैं। वैसे भी फेस ऑफ चल रहा है, लेकिन कुछ और सिचुएशन भी इस वक्त डिवेल्प हो रही है। माइनस इमरान खान की बाजगश्त इस वक्त वफाकी दारुलहुकूमत इस्लामाबाद में बहुत ज़ोरों शोर से गूंज रही है और इसके ऊपर अमल दरामद के लिए कहाँ कहाँ से पैगाम रसानी हो रही है और कहाँ कहाँ से सिग्नल्स मिल रहे हैं, इसके ऊपर भी बात करनी है। आज पीडीएम जमातों का इजलास हुआ जिसमें ये फैसला किया गया कि इमरान खान को सबक सिखा दिया जाए और इसके लिए जो भी मुमकिन ऑप्शंस हैं पीडीएम के पास वो तमाम के तमाम इख्तियार किए जाएँ, जिसमें उन्हें नाअहल कराने के लिए सबसे पहले तो रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में भेजा जा रहा है। वफाकी हुकूमत ने फैसला किया, फिर ये भी डिसाइड कर लिया कि इनका नाम ईसीएल में डाल दिया जाए, कि जैसे इमरान खान कल भागा जा रहा है मुल्क से बाहर, सिर्फ यही नहीं उनके ऊपर नाहली की तलवार भी लटका दी जाए। ये सारे ऑप्शन इस वक्त जेरे गौर हैं। लेकिन उससे पहले एक और अहम खबर जो इन सारे मामलों में दब के रह गई है, मैं सिर्फ हिंट दूंगा, बाकी आपने खुद डिसाइड करना है कि क्या हो रहा है। डॉलर की प्राइस मुल्क की तारीख में पहली बार इतना ज़्यादा एक जंप में लो हुई है, मतलब एक बार में, एक अटेम्प्ट में 10 से 11 रुपए डॉलर पाकिस्तान में आज की तारीख में कम हुआ। वैसे तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, हम सब के लिए ये होना चाहिए, लेकिन इसके पसे पर्दा मुहर्रकात क्या हैं, ये यकायक ऐसा क्या हुआ? कोई भी चीज़ नहीं ऐसी वफाकी हुकूमत की तरफ से की गई, कोई ऐसा इकदाम नहीं किया गया, अचानक से ऐसा क्या हुआ? इसके पीछे बहुत सारे सवालों के जवाब हैं, आने वाले दिनों में मिलते जाएंगे। ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड्स भी बन रहा है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चलने शुरू हो जाएंगी। लेकिन पहले थोड़ी सी बात इलेक्शन कमीशन के उस फैसले के हवाले से जिसके 22 आर्टिकल 62(1)(f) की गूंज एक बार फिर सुनाई दे रही है। इमरान खान पर पाबंदी, नाअहली और पता नहीं क्या क्या कुछ, एक ऐसे वक्त में जब इमरान खान मकबूलियत की इंतहा को छू रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को आप देखें। और मैं तो बल्कि हैरान हूँ, कल से अब तक जो कुछ भी हुआ, मैंने कल के व्लॉग में भी बताया था, पीटीआई का पैसा 24 घंटे में डबल हो गया है। इमरान खान का डबल शाह कौन है आपको पता है? नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, इमरान खान का डबल शाह है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि जो उन्होंने वेबसाइट बनाई थी नामंजूर.com उसके ऊपर कल से लेके अब तक रिकॉर्ड ट्रैफिक आ चुकी है और जो पैसा पीटीआई को पहले फंडिंग की सूरत में मिल रहा था वो अब डबल होके मिल रहा है और तब से लेके अब तक मिल रहा है और ओवरसीज़ पाकिस्तानी एज अ प्रोटेस्ट ये पैसा भेज रहे हैं, साथ में सबूत भी दे रहे हैं कि देखें। और जब वो ट्रांजैक्शन मुकम्मल हो जाती है फिर उनसे पूछते हैं कि आप कुछ कहना चाहेंगे, आपकी ट्रांजैक्शन मुकम्मल हो गया, तो वो नीचे लिखा आता है सादिक अमीन इमरान खान, और लोग बाहर बैरून मुल्क बैठ के इमरान खान को सादिक और अमीन कहे जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मामला कुछ और है। सबसे पेनफुल मोमेंट ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पूरा जोर लगा दिया, पहले एक क्लिक किया और कोई बताया कि जनाब कोई टेक्निकल ग्लिच हो गया और अच्छे भले जिंदा सलामत लोगों को मुर्दा डिक्लेयर कर दिया, वो बेचारे अपना शनाख्ती कार्ड ले लेके फिर रहे कि जनाब हम तो जिंदा हैं। और अब जो हरकत हुई है ये एक कदम और आगे चले गए कि पाकिस्तानियों को पाकिस्तान ही नहीं तस्लीम कर रहे, वो बेचारे अपना पासपोर्ट उठा के, तस्वीरें उठा के सोशल मीडिया के ऊपर डाल रहे हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, हमने फंड किया। वो जो 12-14 लोगों की फहरिस्त जारी की उनमें से 11 लोगों ने तो अपनी वीडियोस जारी कर दी कि हम पाकिस्तानी हैं, हमारी कंपनियां पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हैं। कुछ लोग आगे हैरानी का इजहार कर रहे हैं कि हम सरगोधा से ताल्लुक़ रखते हैं, हमें नहीं पता था कि सरगोधा कैनेडा में है, कैनेडा शिफ्ट हो गया। तो इस कदर तहकीक हुई है इलेक्शन कमीशन की इस फैसले के पीछे
कि अपने ही लोग जो पाकिस्तानी हैं उनको नॉन पाकिस्तानी डिक्लेयर कर दिया, और वो लोग बेचारे पासपोर्ट उठा के कितनी तकलीफ का इजहार करते हुए कह रहे हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, हमारे साथ ये मत करो। लेकिन पूरी पीडीएम इतिहाद, पूरा इलेक्शन कमीशन इस कोशिश में है कि नहीं, आप पाकिस्तानी नहीं है। वजीरों की ड्यूटियां लग चुकी हैं, पैगाम मौसूल हो चुके हैं, और उनसे ये कह दिया गया है कि एंटी इमरान खान बयानियां टेलीविजन की स्क्रीन से नीचे नहीं उतरना चाहिए। पीडीएम इतिहाद में शामिल जितने भी हुकूमती वुजरा हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी के हों, पीएमएलएन के हों, या जेयूआई के हों, या किसी और जमात के, उन सब की ये जिम्मेदारी लगा दी गई है कि बैक टू बैक प्रेस कॉन्फ्रेंस और इतनी ज़्यादा लीथल अटैक के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंसेज की जाएँ कि लोगों को सच में लगने लगे कि इमरान खान ने कोई बहुत भयानक किस्म की फॉरेन फंडिंग ले ली है। लेकिन हर प्रेस कॉन्फ्रेंस अपनी एक तरह से शिकस्त का ऐलान है। मतलब ये तस्लीम कर रहे हैं सारे हुकूमती वुजरा के सियासी मैदान में अब इमरान खान का मुकाबला नामुमकिन हो चुका है। अपने मुंह से नहीं कह रहे, लेकिन एतराफ़ कर रहे हैं कि अब सियासी मैदान में इमरान खान का मुकाबला नामुमकिन हो चुका है, नहीं कर सकते, करके देख लिया, बदतरीन शिकस्त भी मिल गई। अब चोर दरवाजे से उसे नाहेल कराने का, उसे सियासत से आउट करने का, माइनस इमरान खान का एक नया चूरन मार्केट में लाया गया है, और ऐसा तासुर दिया जा रहा है कि इमरान खान ने जो फंडिंग लिया है वो 50, 100, 150 डॉलर की, उससे पाकिस्तान की सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी को शायद को बहुत बड़ा नुकसान हो गया। नवाज शरीफ साहब बाहर से बैठकर स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के हालिया फैसले के बाद साबित हो गया कि इमरान खान फॉरेन फंडेड एजेंडे पर चल रहा था और गैर मुल्की आकाओं का आलाकार बना हुआ था। ये जो सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी से ख़तरा आप करार दे रहे हैं इमरान खान को, मेरा ख्याल है इमरान खान से ख़तरा जिसकी सॉवरेनिटी को या जिसकी इंटेग्रिटी को है, उनमें से एक नवाज शरीफ साहब है, एक शहबाज शरीफ साहब है। एक की सॉवरेनिटी को और एक की इंटेग्रिटी को ख़तरा है। अगर सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी को बेस बनाकर आपने नाहल करना है, मुकदमात बनाने हैं, ECL में नाम डालने हैं, तो सॉवरेनिटी को के हवाले से ख़तरा उस वक्त होता है जब बैरूनी ताकतों के साथ मिलकर मुल्क के खिलाफ साजिश की जाए। इंटेग्रिटी को खतरा तब होता है जब अंदरूनी ताकतों के साथ मिलकर साजिश की जाए। तो ये सारे एलिमेंट्स जो ये सब कर रहे हैं, बैरूनी ताकतों के आलाकार और अंदरूनी ताकतों के या कुव्वतों के आलाकार जो बने हैं, ये तो सारे पीडीएम इतिहाद में हुकूमत पर बैठे हैं। अगर इस वजह से किसी के ऊपर नाहली की तलवार लटकनी है या नाहल करना है या ECL में नाम डालना है, तो सबसे पहले फिर पूरी की पूरी जो पीडीएम की आदत है उनके नाम आ जाएंगे। तो ये इस वक्त मजाक हो रहा है, सियासत के नाम पर आवाम को पागल बनाया जा रहा है, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। पंजाब की सियासत का हाल तो उठा के देख लें, पंजाब के 90% लोगों ने, यह हालिया इंतखाब में 90% लोगों ने जिस पार्टी पर, जिस लीडर पर एतमाद का इजहार किया, उसे आप किस तरह से कर सकते हैं बैन। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में Article 62F की प्रॉपर तशरीह ऑलरेडी हो चुकी है। ये कोई ज़्यादा दूर की बात नहीं है। इमरान खान के ऊपर ये एक बार फिर से सादिक और अमीन का ठप्पा लगवा कर वापस मुड़ेंगे। पहले भी लगवाया था, एक बार फिर लगवाएंगे। मैंने वो फेरिस चेक किया, मैंने कल भी दिखाई थी, $50, $100, $150 यार, इन डॉलर्स। ये फंडिंग लोगों ने करनी थी, जो जिसे ममनुआ फंडिंग कहा जा रहा है, इस फंडिंग से पाकिस्तान की सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी को खतरा होना था। आप किन लोगों के आलाकार थे, मैंने कल के व्लॉग में बताया कि आपकी पार्टियों को कहां कहां से फंडिंग हो रही है, और वो अपने मुंह से मान रहे हैं कि हम फंड करते रहे हैं मुस्लिम लीग नून को, पीपल्स पार्टी को, PDM में शामिल दीगर जमातों को। तो आप इलेक्शन कमीशन से कहें कि हमारी भी रिपोर्ट पब्लिक कर दें कि हमने कहाँ कहाँ से फंड लिए हैं। अब कल होने जा रहा है प्रोटेस्ट। राणा सनावला साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि कोई इजाज़त नहीं दे रहे हम, अगर आने की किसी ने कोशिश भी की तो फिर कानून अपना रास्ता बनाएगा और फिर हमसे शिकायत ना करें। उनका वही है कि जनाब, उसी तरह का वो 25 मई का वाकया भी रिपीट हो सकता है, उनकी नज़र में कोई ये बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो प्लान है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। कल का एहतजाज जो है वो इस्लामाबाद के रेड जोन में, जो नादरा चौक है जहां से एंट्रेंस बंद कर दी जाती है इलेक्शन कमीशन की तरफ जाने के लिए, उस नादरा चौक पर तमाम कारकुनान को इकट्ठा होने का कहा गया है, और वहीं पर असद उमर खिताब करेंगे। इमरान खान साहब शायद कल खिताब ना करें, असद उमर एड्रेस करेंगे इस्लामाबाद के नादरा चौक पर, जो इलेक्शन कमीशन के बिल्कुल करीब है। उस मुकाम से, नादरा चौक से टूवर्ड्स इलेक्शन कमीशन कारकुनान नहीं जाएंगे, सिर्फ PTI के जो
अरकान कौमी या सूबाई असम्बली जो थे या हैं, जो मुंतखब अरकान रहे हैं या हैं, ये लोग जाएंगे इलेक्शन कमीशन और वहाँ पर जाकर अपना ना सिर्फ प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराएंगे बल्कि वहाँ पर मीडिया टॉक्स और जो कुछ भी एक्टिविटी होगी वो वहाँ पर होगी। कारकुनान उस दौरान पीछे रह जाएंगे। चूँकि मुंतखब अरकान हैं या जो सूबाई और कौमी असम्बली के नुमाइंदे हैं वो इलेक्शन कमीशन तो जा सकते हैं अपनी कोई भी शिकायत लेके, उनको कानून के मुताबिक रोका नहीं जा सकता, इसलिए उन अरकान को एक्सेस दी जाएगी। लेकिन कारकुनान नहीं जा सकेंगे। अगर जाने की कोशिश की या इस तरह की कोई सिचुएशन हुई तो फिर मामला थोड़ा सा बिगड़ सकता है। लेकिन इमरान खान साहब ने खुद TV पर आकर कह दिया कि हमारे कारकुनान इलेक्शन कमीशन के बाहर नहीं जाएंगे, अपना पीसफुल प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराएंगे, लेकिन हमारे जो अरकान है वो वहाँ पर ज़रूर जाएंगे। पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है उसमें लग नहीं रहा कि कोई ठहराव आने वाला है। ऑल दो के बहुत सारे बयान देखने को मिल रहे हैं कि 30 अगस्त से पहले पहले इलेक्शन की डेट अनाउंस हो सकती है, और भी बहुत सारी चीज़ें इस वक्त पाइपलाइन में है, बैकडोर रबते भी हो रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि PTI ने अपने इतिहादियों के साथ बाजाबता रबतों का आगाज़ कर दिया है। BNP के साथ, MQM के साथ एक मुलाकात का सिलसिला अब शुरू होने वाला है। दोनों जमातों के साथ रबते हैं, उनको पैगाम भिजवा दिया गया है। गालबन परवेज़ खटक, फवाद चौधरी, असद उमर, असद कैसर और शायद जुल्फी बुखारी, इन पर मुश्तमिल अरकान जो हैं ये BNP और MQM के लोगों से मुलाकात करेंगे। इत्तेहादियों को अब हुकूमती इत्तेहाद से पीछे करने का एक टास्क मिल चुका है, उसके ऊपर अमल दरामद का आगाज़ होना है। क्योंकि जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं उनको हुकूमत पर एतमाद या क्या ट्रस्ट रहे या ना रहे, लेकिन उनका ट्रस्ट PTI वापस हासिल करने की कोशिश कर रही है। तो ये एक अटैम्प्ट है जस्ट टू इनिशिएट नो कॉन्फिडेंस मूव या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। आरिफ अलवी बतौर सदर शहबाज शरीफ साहब को ये कह सकते हैं कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। उससे पहले PTI अपने रबते कर रही है और इतिहादियों को पीछे करने की कोशिश की जा रही है। जिस दिन ये हो गया उस दिन हुकूमत अपने आखिरी मतलब वो सांसें ले रही होगी या ख़त्म होने के करीब होगी, अगर आरिफ अलवी साहब ने जिस दिन एतमाद का वोट लेने का कह दिया और कोई हुकूमती खिसक कर PTI के साथ आ गया। उस दिन का इंतज़ार है, गालबन 30 अगस्त से पहले इस बारे में कोई बड़ी पेशरफ्त हो जाएगी। आज तक के लिए इतना, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।